एक जानलेवा चीज आज और है, व्हाट्सएप पे स्टेटस का मामला। इसमें 30 सेकंड की वीडियो लगाई जाती है, हालांकि इस वीडियो के जरिए, इस 30 सेकंड के जरिए आप पुरानी आयत भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, बेशतर नौजवानों को मैंने देखा कि 30 सेकंड का गाना लगाए रहते हैं। तो ये आपके अकाउंट में जितने लोग सेफ होते हैं, जिनके नंबर आपके, जिनका, जिनके पास आपका नंबर होता है, वो तमाम लोग उसको देखते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं तो उनकी, उनके गुनाह का बोझ आपके ऊपर डाला जाएगा। और अगर उन्होंने सवाल कर दिया कि अरे भाई ये मुझे भेज तो बड़ा ही दर्दीला गाना है, आपने उन्हें दे दिया, उन्होंने लगाया, अब उनके अकाउंट में जितने लोग सुनेंगे उसका भी गुनाह आपके ऊपर लादा जाएगा। तो मेरे भाइयों सोचो, कयामत का दिन जब होगा, इंसान अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो पुल सिरात पर से गुजरना होगा। और पुल सिरात पर से अगर गुनाहों का बोझ इंसान लिए रहेगा तो कैसे गुजरेगा? वो पुल सिरात जो, जिस पर से हर इंसान को गुजरना है। और अगर इंसान के अपने गुनाहों के बोझ की वजह से वहां पर नाकाम हो गया तो वो कटकर जहन्नम में गिर जाएगा। तो मेरे भाइयों बताओ कि ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है या फिर नुकसान का? तो आप यही कहोगे कि नहीं, ये हमारे लिए नुकसान का सौदा है। तो मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये 30 सेकंड का वीडियो आप लगाते हैं व्हाट्सएप पर, तो कोई कुरानी आयत लगाइए, कोई तकरीर लगाइए, कोई अच्छी बात लगा दीजिए, ताकि उसके जरिए कोई फायदा उठाए। गाना वगैरह लगाने से आप परहेज कीजिए। आखिर में अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें जब तक जिंदा रख, ईमान वाला बना के जिंदा रख। हमारा खात्मा हो तो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।